ये बात है उस वक्त की जब हमारी एसएमसी में हो गई लड़ाई और लग गई पूरी एसएमसी में आग और किसी का घर नहीं बचा, हेडमैन का घर नहीं बचा, मेरा भी नहीं बचा, त्रिश का भी नहीं बचा और किसी का भी नहीं, और उसी में मेरा एक प्यारा सा घर भी जल गया। गाइस एक ही तो दिन हुआ था लेकिन गाइस मैंने नया घर बना लिया है क्योंकि गाइस मैं किसी काम में देरी नहीं करता, आपको पता ही है। एक बार गाइस मैंने आपको इस घर का दे देता हूँ टूर। गाइस ये तो छोटा सा ही घर है भाई, हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप मेरे चेस्ट लगे हुए, यहाँ पे लगे हुए मेरे दो बैरल और यहाँ पे काफी सारे सामान मैंने लगा रखे। देख सकते हो आप बैरल है, यहाँ पे मेरा छोटा सा बेड है। और गाइस एक चीज दिखाऊं आपको, ये क्राफ्टिंग टेबल देखो भाई कितनी मुश्किल से खुलती है, भाई मुझसे खुद नहीं खुलती इसलिए मैं किसी और की क्राफ्टिंग टेबल यूज करता हूँ। और एक मिनट बाहर जाने से पहले ना गाइस आप अंदर गए थे तो सो ही जाते हैं एक बार, तो गुड नीनी। ऑल राइट, सो गाइज हो चुकी है अभी सुबह और गाइज हमारे ना क्रिश भाई का भी घर जल गया था और उन्होंने कहा कि वो अभी तक एसएमपी में नहीं आएंगे, तो इसलिए गाइज आज हम उनका घर बनाने वाले हैं रीबिल्ड। तो गाइज उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप टाइम लैप्स को इन्जॉय कर सकते हो। तो गाइस फाइनली हमारा जो घर है वो हो चुका है पूरा रेडी, मतलब हमारा तो नहीं क्रिश भाई का, हमने रीबिल्ड किया है गाइस काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक घंटा करीब मेरे को लग गया, आप खुद देख लो। और गाइस काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, पता नहीं कहाँ से आइडिया आया था यार इसको। तो गाइस यहाँ से आप ऊपर का कमरा देख सकते हैं, छत में थोड़ी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्रिश ने कैसे बनाई थी, बना लेगा बाद में, हमने फिर भी बहुत कुछ बना दिया है और बिल्कुल ये रूम वैसा ही है सेम। और भाई साहब ये क्या हो गया, चलो गाइस कोई नहीं बाद में इसे ठीक कर देंगे। और गाइस अगर आपको भी ये घर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दो और एक बार आप ऊपर का व्यू देख लो भाई, कितना प्यारा लग रहा है ऊपर से भी भाई, इतनी मेहनत तो मैंने खुद के घर में नहीं करी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।